हमारे जयपुर में एक भैया हैं, एक दिन हमें मिल गए रहसे ही, बोला नहीं दीदी घर चलना पड़ेगा परवीन भाई साहब। तो वो बड़े बिजनेसमैन हैं, अमेरिका में उनका कोई कपड़े का धंधा चलता है, तो उन्होंने बोला और हम चल दिए। मैंने कहा इनको कहाँ समय है, ये तो हरदम बिजनेस में बिजी है। लेकिन जैसे पांच सात कदम चले तो उन्होंने गाड़ी रोक ली अचानक, गौ माता के पास गए, छोटी छोटी बच्चियां उनके पास। मैंने कहा पता नहीं क्यों इनके क्या दिमाग में आया, हमें पता नहीं था। फिर उनको देखा, फिर पीछे गए, तुरंत जाकर अपनी गाड़ी की डिग्गी खोली और गाड़ी में हरा चारा भरा था निकाल कर लाए और उन गौ माताओं को डाला। मैं दंग रह गई। मैंने कहा भाई साहब हमने तो सोचा ही नहीं था। तब उन्होंने बताया कि दीदी एक ही नहीं, मैं पूरे दिन मेरी गाड़ी को फुल रखता हूँ। जहां भी मेरे को गौ माता मिल जाती है, मैं घर तो नहीं रख सकता लेकिन जहां भी मिल जाती है मैं इनको हरा चारा डालता हूँ। और दीदी आज इसी की देन है कि आज मेरा बिजनेस अमेरिका में चल रहा है। साफ बताता हूँ दीदी, मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। बोला मेरे को समय ही नहीं है, रात को 12 बजे सोता हूँ और सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, मेरे को समय ही नहीं है मंदिर जाने के लिए। लेकिन मैंने ये ध्येय बना रखा, मैंने ये नियम बना रखा है कि मेरे को गौ माता जहाँ भी मिल जाए मैं सेवा करता हूँ।